50 के उम्र के बाद काफी लोगों को सेक्स की इच्छा कम होना, थकान आना और ऑर्गेजम अचीव नहीं होना, मतलब जो सेक्स का उच्चतम अति उच्च अवस्था जो है वो अचीव नहीं होती है, वीर्य कम तैयार होता है और लिंग छोटा लगता है, जैसे काफ़ी सारी तकलीफें लेके लोग मेरे पास में आते रहते हैं, ऑनलाइन कॉल करते हैं, ऑफलाइन आते रहते हैं। तो ये चार फलों का आप सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपको 50 के बाद में भी अच्छा सेक्स लाइफ आप जी सकोगे। तो ये कौन से चार, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर एक है पपीता, नंबर दो है एप्पल, नंबर तीन है किशमिश रेजिन्स, नंबर चार है नींबू। तो चलो एक एक के बाद में बात कर, एक एक को लेकर बात करते हैं। पपीता, पपाया, पपीता जो है ना ये बहुत ही रिच है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई में। विटामिन ई डिज़ायर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सेक्स की डिज़ायर होना। विटामिन ई, ए और सी जो है उसके साथ साथ मिनरल्स है पपाया में, इसलिए उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, मतलब फ्री रेडिकल्स जो है जो हानिकारक रहते हैं शरीर को निकाल देता है हमारे बॉडी से। पपाया एंटी कैंसर, कैंसर के खिलाफ भी काम करता है, मतलब न्यू ग्रोथ सेल्स का जो अननेसेसरी ग्रोथ होता है सेल्स का वो कम कर देता है पपाया। सूजन, शरीर की सूजन कम करता है, इसलिए ज्वाइंट पेन्स और बाकी हड्डियों में भी तकलीफ जो होती है ज्वाइंट्स में वो कम हो जाती है। पपाया में पेपेन रहता है, पेपेन एंजाइम, जिसकी वजह से पाचन जो है वो अच्छा होता है, रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो अच्छी होती है, और विटामिन सी के वजह से हमारी त्वचा जो है वो चमकदार होती है, सुंदर दिखती है, और झुर्रियाँ जो आती है वो भी कम होती है। तो इसलिए पपाया आप रोज खा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। पपाया, एक पपाया लाया आप तो आप यदि फ्रीज में रखते उसको तो बड़ा पपाया होगा तो या दो या तीन दिन में आप खा सकते हैं। नंबर दो जो है वो है एप्पल। ऐसा बोला जाता है कि वन एप्पल ए डे किप्स ए डॉक्टर अवे। कोलेस्ट्रॉल कम करता है एप्पल, और एप्पल में विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक ये अच्छे प्रमाण में रहता है। एप्पल में फाइबर भी रहता है, तो फाइबर ज़्यादा रहने से क्या होता है कि पेट अच्छा फूला रहता है, मतलब ऐसा खाली खाली होकर एसिडिटी नहीं रखती पेट में, और फिर फाइबर रहने से पेट ऐसा भरा हुआ रखता है तो फिर भूख कम लगती है, भूख कम लगती है तो फिर वजन मेंटेन करने के लिए भी एप्पल अच्छा रहता है। शुगर एब्सॉर्प्शन जो है, शक्कर का एब्सॉर्प्शन, वो भी एप्पल कम करता है, और इसलिए वेट मैनेजमेंट में वो अच्छा काम में आता है। तीसरा जो है वो है रेजिन्स, किशमिश हम बोलते हैं, ये अक्सर अंगूर जो है, द्राक्ष, अंगूर सुखा कर जो तैयार किया जाता है। किशमिश में आयरन, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसे काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स उसमें हैं। हड्डियों की सेहत के लिए, मतलब बोन डेंसिटी, हड्डियों की मजबूती के लिए रेजिन्स बहुत काम में आता है। और रेजिन्स में डायबिटीज़ जिनको है उन्हें रेजिन्स नहीं लेना चाहिए। आप किशमिश लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिकार शक्ति तो है ही, मगर बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऊर्जावान लगता है। तो कम से कम 10 से 12 किशमिश आप खा सकते हैं रोज, और उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान लगेगा आपको, और फिटनेस में बहुत फ़ायदा होता है। चौथा है नींबू, विटामिन सी। विटामिन सी की और नींबू की क्या तारीफ़ करना, विटामिन सी तो फ्लेवोनॉइड का बहुत ही बड़ा पावर हाउस है, और विटामिन सी से बहुत ऊर्जावान लगता है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। विटामिन सी आप लेते, मतलब एक ग्लास आप नींबू शरबत लेते हैं ना तो बहुत ही आपको मतलब फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और एक ग्लास नींबू आप यदि सेक्स करने वाले नींबू पानी लेते हैं या नींबू शरबत लेते हैं, और एकदम ठंडा नींबू शरबत आप लेते हैं, थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमक और अच्छा खासा नींबू डाल के, तो आपको 15-20 मिनट में उसका बहुत अच्छा फायदा दिखेगा। मतलब एक ग्लास में यदि बड़ा नींबू है तो उसका आधा, या छोटा है तो उसका पूरा नींबू का, मतलब एक चम्मच या दो चम्मच नींबू का जूस डाल के, थोड़ी शक्कर और नमक डाल के, थोड़ा बर्फ डाल के ठंडा आप नींबू शरबत लेते हैं तो आपको सेक्स में बहुत फ़ायदा लगेगा, तो आप वो ले सकते हैं। किडनी स्टोन से इससे बचाव हो सकता है, शरीर में पानी की लेवल मेंटेन करने के लिए काम में आएगा।
और आपको थकान नहीं महसूस होगी। आपको खाना खाने के बाद में भी आप यदि नींबू शरबत लेते हो, और नींबू में थोड़ा सोडा डाल के लेते हैं, तो जो खाना खाने बाद में जो फुलनेस आता है वो भी निकल जाएगा, ढकार आते जाएंगे, गैसेस निकल जाएंगे और आपको बहुत ही हल्का लगेगा। तो नींबू, सिर्फ नींबू शरबत या नींबू सोडा स्वीट वो भी थोड़ा ले सकते हैं आप, और उसमें बहुत फ़ायदा आपको लगेगा, सेक्स लाइफ में एकदम आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चारों भी है, बहुत अच्छे हैं। 50 के बाद में आप ये लेते हैं और रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको 50 की उम्र में 20 की ताकत और 20 की ऊर्जा लगेंगी और 20 इतना परफॉर्मेंस आप अच्छा कर सकोगे। नंबर एक पपीता, नंबर दो एप्पल, नंबर तीन रेजिन्स किशमिश, नंबर चार नींबू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।